अपना काम करते रहो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अब अपने को बचाए। यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। क्रूस पर से उतरा, हमारे सामने भी एक आश्चर्य कर्म करे। और यीशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लटकाया गया। इस प्रकार परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। ये कपड़ा किसी मामूली आदमी का नहीं। ए, रहने दो, नहीं इसे मत फाड़ो। मैं बताता हूँ इसका क्या करें। चलो पर्चियां डालें। अच्छा, बच्चे आके देखते हैं। ये मेरा नंबर तो क्या है, देखो तो नंबर तो देख देखे देख। अरे तुझे मिल गया, अब तू इसका क्या करेगा? उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का राजा है। यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आप को। तू तो मसीह है ना, फिर हमें और अपने आप को बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, पर इनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी,
जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। दोपहर हो चुकी थी और 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। सैनिकों के सूबेदार ने ये देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा, परमेश्वर की महिमा हो, निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धार्मिक सभा के एक नेक सदस्य अर्मतिया के यूसुफ ने, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु की लोथ को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके। क्षमा कीजिए, हम प्रभु की लोथ के पीछे पीछे आ रहे थे। आप सभी आ सकते हैं, मगर चलें, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। रविवार की सुबह तड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और जब वे अंदर गईं तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं, पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और 3रे दिन जी उठेंगे।